हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हमारी दूसरी वीडियो है, वो है इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो को किस तरह मतलब कि इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। मैं चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर वेबसाइट का नाम भी है, ये इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। सो आपने इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपनी विंडो के लिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि आपका जो सिस्टम है वो अगर 32 बिट का है तो आपने 32 बिट पे करना है, अगर आपका 64 बिट का है तो आपने 64 बिट पे करना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी डाउनलोड करके आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन हैं जो मैंने यहाँ पे सर्च करके रखी हुई हैं, जो ऑलरेडी मेरे स्टार्ट हैं, वो आपने लाजमी करनी है ताकि जब हम आगे HTML CSS करेंगे तो उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सटेंशन आती है उसका नाम है ऑटो क्लोज टैग, यानी कि ऑटो क्लोज टैग। ऑटो क्लोज टैग ये मेरे पहले नंबर पे आ रही है। ऑटो क्लोज टैग जो एक्सटेंशन है ये वाली, ये आपने इंस्टॉल कर देनी है। अभी मेरे यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा नहीं आ रहा जैसे ये यहाँ पे आता है। सो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जब आप कोड लिखोगे तो जब आप टैग लिखोगे तो उसको ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। आपको ज़्यादा ये नहीं कि आप टैग लिखो फिर उसको क्लोज करो, इसका नहीं है, ये खुद ही इसको क्लोज कर देगा। जैसे ये आप ये बता भी रहे हैं, आपको ये HTML इसने लिखा है, अब इसको ये करेगा क्लोज, ये दूसरा देखे उसी टाइम साथ लिखा आ गया। सो ये जो है ये ऑटो क्लोज है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी जो इसके अंदर है वो एक्सटेंशन जो आपने यूज़ करनी है वो है ऑटो कंप्लीट टैग। ऑटो कंप्लीट टैग का भी यही काम है, लेकिन आप इसको फिर भी एहतियात के तौर पर बंदा कर लेता है। सो दूसरी आपने स्टेशन ये वाली करनी है। मेरे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसकी वजह से मेरे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं आ रहा। मेरे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा स्टार्ट है ऑलरेडी, तो इंस्टॉल लिखा नहीं आ रहा यहाँ पे, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। तीसरी जो इसके अंदर हमारे पास स्टेशन आ जाती है वो हमारे पास यहाँ पे आती है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग जो है, ऑटो रीनेम इसको ये भी तकरीबन वही काम करेगा, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल कर देना। जब आप HTML पे जाएंगे तब आपको मैं इसकी थोड़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि ये क्या करता है, क्या सीन है, तो वो सारा आपको बाद में बताऊंगा। ये आपने टैग कर लिए, तीन टैग ये थे। उसके बाद आगे जो टैग आपने एक्सटेंशन के अंदर करना है वो है, जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है अगली, वो ये है क्लोज HTML, ये वाला टैग है क्लोज HTML एंड XML टैग, ये आपने चौथा यूज करना है। और उसके बाद आखिरी जो टैग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी टैग जो है उसको आप लाइव सर्वर कहते हो, सॉरी आखिरी जो एक्सटेंशन है वो जरा हो रहा है इशू। आखिरी जो एक्सटेंशन है वो आपकी लाइव सर्वर की है। लाइव सर्वर का ये काम है कि जब आप कोड कर रहे होते हो, आप यहाँ से गो लाइव, यानी कि आप यहाँ से, मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गो लाइव का, मींस ये कि मैं यहाँ पे लाइव जा सकता हूँ, मैं जब इसको लाइव करूँगा वो मेरे ब्राउज़र पे जाएगा। तो ब्राउज़र के ऊपर जब मैं पीछे कोड करता जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट करता जाएगा मेरे ब्राउज़र के ऊपर। तो लाइव सर्वर का ये काम है, इसका बहुत फ़ायदा गाइस, ये लाजमी आपने करना है। और इसके अंदर एक और बहुत अच्छा जो ऑप्शन है वो आप बस बार ये होता है कि जब आप कोड करते हैं आपको बार बार सेव करने के लिए उसको ब्राउजर पर रन करने के लिए कंट्रोल एस करना पड़ता है, तो उससे जान छुड़ाने के लिए इसने एक बहुत अच्छा काम किया है, वो ये है कि यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन रखा हुआ है। ये और भी टूल्स के अंदर मौजूद है लेकिन इसमें भी ये है। तो आपने ऑटो सेव को यहाँ पर टिक कर देना, इससे ये होगा कि आप बार बार सेव नहीं करेंगे। जैसे आप वहाँ पर एक लफ्ज भी लिखोगे तो उसने खुद ही ऑटोमेटिकली उसको सेव कर देना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम HTML का बाकायदा आगाज करेंगे, उसको इंट्रोडक्शन होगा HTML का कि वो क्या है, किसके लिए यूज़ होती है, और बाकायदा हमारा जो ट्यूटोरियल है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे।
ओके एनी क्वेश्चन तो कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ओके अल्लाह हाफिज़।